नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? क्या आपने कुछ वनस्पतियों के बारे में सुना है कि वो बोलती हैं, हंसती हैं, जीवधारी हैं, मांसाहारी हैं? सुना है? अगर नहीं सुना तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ऐसे साउथ अफ्रीका से लेकर इंडिया में ऐसे ऐसे फूल पाए जाते हैं जो छोटे छोटे कीड़ों को भक्षण करते हैं। लेकिन आज हम आपको तंत्र जगत की एक ऐसी जड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये कोई टाइम पास वीडियो या आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए वीडियो नहीं बनने, बल्कि जानकारी और प्रैक्टिकल के लिए बनने कि आप करें और लाभ लीजिए इसका। ये जो पेड़ होता है इसे बोलते हैं झबुआ। अब झबुआ शब्द आदिवासी और जंगलों में रहने वाले ग्रामीणों आदिवासियों का दिया हुआ नाम है। यह पेड़ मिर्चा का पेड़ होता है, मिर्चा चिली, ग्रीन चिली, उतने ही बराबर और सेम वैसे ही होता है। मेरे पास था लेकिन यहां लाए लगाए वो सूख गया, यहां लगा ही नहीं, क्योंकि उसकी प्रकृति ही वर्षावन में, जहां वर्षा हुआ करती, नमी रहती, वहीं होता है। और ये दूसरे पेड़ के नीचे ही होता है, जो बड़े पेड़ होते हैं उसके छांव में होता है। बहुत ही नाजुक पौधा होता है। जहां पौधा नाजुक होता है झबुआ का, वहीं इसकी जड़ वुडो तंत्र में बहुत खतरनाक होती है। अब जो लोग हमारे तमाम ऐसे वैद्य विशारद तांत्रिक मांत्रिक हमारी वीडियो देखते हैं, उनका सलाह मशविरा हमको मिलता रहता है, जानकारियां लेते रहते हैं, तो उन लोगों से भी निवेदन, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो झबुआ की जड़ जो होती है छोटी होती है, और इसको रवि पुष्प नक्षत्र वाले दिन आपको जाना इस पेड़ के पास। सांप की केचुल पंसारी के यहां से मिल जाएगी, आपके पास किसी बंगाली से या पहले की रखी है, सांप की केचुल होना जरूरी है, और थोड़ी सी शराब। सांप की केचुल काले कपड़े में लपेट कर इस पेड़ के ऊपर बांध दें रवि पुष्प नक्षत्र वाले दिन रात को, और नग्न होके जाना है वहां पर, कपड़े उतार के करना है। नग्न होके घर से मत जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी उस जंगल में उस जगह पर पहुंचिए जहां पर ये हो, और कपड़े उतार के इस जड़ को निकाल लीजिए। उसमें 10-12 पीस बन जाएगा, 10-12 जड़ें होती हैं ऐसे ऐसे। तो पेड़ पर वो केचुल बांधना है, ठीक है, शराब को उसके ऊपर डालना है और बोलना, उठो झबुआ, जागो झबुआ, चला हमरे साथ। इसी लैंग्वेज का प्रयोग करना, यानी कि उठो झबुआ, तू चल मेरे साथ। ऐसे मत करना, नहीं तो बेकार हो जाए, क्योंकि वो पावर आदिवासी है, उन्हीं की लैंग्वेज समझता है। तो ये या जागो झबुआ, चलो हमरे साथ, ये बोलना है। इसको बोलने के बाद आपको एक बार में पेड़ की जड़ उखाड़ लेना है, पूरे पेड़ को उखाड़ाएगा, वहां नमी होती है, और उसकी जड़ को ऐसे तोड़ना है, किसी चक्कू गंडासे से नहीं, ऐसे तोड़ना है, और इस जड़ को ले आना है। इस जड़ को लाने के बाद आपको एक मंत्र सिर्फ बोलना है, लिख लो, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखूंगा। लिखो, जंगल के राजा झबुआ बजाए बाजा, जाके पीछे लगाई, जाके पीछे लगाई, वाको लेके आजा, ना लाए तो अपनी माता का सीना चीर खून पिए। इस मंत्र को आपको 1000 बार धूप बत्ती सुलगाकर, जैसे आप पढ़ेंगे 1000, तो वो जड़ अपने आप ऐसे उछलना चालू होगी। जो जड़ उछले उनको पकड़ लो और तुरंत गंगा जल में डुबो दो। अब ये तैयार है। अब इतनी सी जड़ इसको ताबीज के अंदर रख लें, सम्मोहन में बहुत कारगर है। किसी से काम निकलवाना, उसको बाड़ी छुआ दो, 20-25 मिनट तक उसके सम्मोहन के प्रभाव में रहेगा, आप कोई भी काम उससे करवा सकते हैं, गलत काम नहीं।
जैसे अधिकारी नहीं सुनना, जाके पांव छूने के बहाने कैसे भी उसको टच कर दो, आप हाथ में पहन के आप अपना हाथ टच कर दो। कोई जा रहा हो, गुस्सा हो के बात नहीं माना, उसको टच कर दो, तुरंत गुस्सा सही हो जाएगा। इसकी जड़ को जलाकर राख कर दें, कोयला बना लें, उसमें घी देसी का डाल के आंख में काजल लगा के जिसके सामने जाएंगे, जज के सामने जाएंगे, तो वो सब उसी समय आपकी तरफ सम्मोहित हो जाएंगे, तो आपका कार्य कर देंगे। भयंकर भूत प्रेत जादू टोना जिन्नाद खिलाया पिलाया कुछ हो, इस जड़ी को आप कंठ पे बांध लें इस तरीके की इस जगह वो टच हो, जैसे हम थोड़ा सा टाइट करके इस तरीके से बांध लेंगे तावीज में करके। चैलेंज है कि एक हफ्ते के अंदर समस्त प्रकार की चीजें कैसी भी करी गई हो कट के सब दूर हो जाएंगी, आपकी बॉडी को धीरे धीरे काफी आराम हो जाएगा, और सबसे अच्छी बात है कि दोबारा शत्रु या तंत्र मंत्र कुछ करना चाहे उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इति झबुआ लाभ समर्पयामि, कि इतना ही आप लोगों को समर्पित कर दिया हूं। ये झबुआ सिद्ध योग में ही लाया जाता है और बहुत ही चमत्कारी जड़ी है। आपको इस वीडियो संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8726153903 पर कॉल मैसेज नहीं जानकारी के लिए, अगर ये आपको 4 से 5 लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा, अगर चाहिए तो जो पहले आएगा पहले पाए के आधार पे मैं उसका नाम लूंगा, जब देख लूंगा सही नियत से मंगाना तभी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। कॉल सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक करें।